बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। 2A एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, दो पार्ट हैं इसके। रीड करते हैं पहले क्वेश्चन। फाइंड आउट द कॉस्ट 10 kg ऑफ टी लीफ, यानी हमें फाइंड करना है 10 kg को। अभी देखें, हमें थोड़ी सी उलझन में डाला है, क्वांटिटीज़ को आगे पीछे करके दिया है। 3 kg ऑफ लीफ कॉस्ट कितनी है? 18 डॉलर है 3 kg की, तो 10 की डेफिनेटली ज़्यादा होगी। इसका बी पार्ट है, अब वेरिएबल में पूछा है, अगर 1 kg ऑफ शुगर हो और 2 kg ऑफ शुगर की कॉस्ट हो सी की, तो हमें ए का पता करना है, यानी बी कुछ भी लें, वो 2 kg ले लें, और सी जो है उसकी कॉस्ट आती हो वो $10 हो, $15 हो, जो भी हो। तो ए जो है, 1 kg अगर हम और लेंगे, कोई वेरिएबल लेंगे, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, वो हमें निकालना है। इस क्वेश्चंस को स्टूडेंट मैं तीनों मेथड से, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन फॉर्मूला से भी, प्रोपोर्शन मेथड से भी और यूनिटरी मेथड से भी, तीनों से करूंगा। जो आपको आसान लगता हो उसके साथ आप इसे देखिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले हम करते हैं, कॉन्स्टेंट फॉर्मूला को ही ले लेते हैं। कॉन्स्टेंट फॉर्मूला में हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं, केजी है 3 और कॉस्ट है $18 की, और केजी है 10 और वो हमने फाइंड करनी। अब हमें इन्हें एक्स और वाई का नाम दे देते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट जो फॉर्मूला है, सॉरी, जो प्रोपोर्शन फॉर्मूला है, उसके अंदर क्या होता है, हमें कुछ जो एक्स और वाई की वैल्यूज को रखना होता है, जो कि पेज नंबर 25 पे आई थिंक फॉर्मूला दिया हुआ है, सही। तो मैं केजी को लगा लेता हूं एक्स में और कॉस्ट को लगा लेता हूं मैं वाई में, सही। अगर एक्स और वाई है तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं। अब ये बेसिकली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है कि अगर केजी 3 है तो कॉस्ट है 18 की, अगर केजी बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ रही है। सो हम यहां पे ये लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे द ये मैस या केजी को, केजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट, सही। तो हम इसे फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स टू एक्स वन वाई टू और वाई वन। अब एक्स टू और वाई, ये हमारे पास हो गया वाई वन और ये हो गया वाई टू, और इधर हो गया हमारे पास एक्स वन और ये हो गया एक्स टू, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यूज जो पहले पता होती हैं, उनको हम उसी तरह से एक्स वाई कर लेते हैं। अब वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं, एक्स टू की वैल्यू है 10/3 और यहां पे वाई की वैल्यू, हमें वाई टू को हमने फाइंड करना है और हमारे पास है, अब इसे हम कोई नाम दे देते हैं, वेरिएबल का नाम दे देते हैं, कोई एक वेरिएबल, लेकिन हम इसे सिंपल वाई ही रख लेते हैं, ठीक है। अभी वाई रख लेते हैं और यहां पर यह हमारा हो गया 18, सही। अच्छा, दूसरी साइड पे अब हम, चूंकि यही हमने फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू ही हमने फाइंड करनी है, सो इसे हम इधर रखेंगे और बाकी जो हमारा है यहां पे हमारा चला गया और ये हमारा रह गया, कट हो गया 3 और ये हमारा आ गया $60, यानी ये जो वैल्यू है हमारे पास, अगर हम 10 केजी बाय करेंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी, यानी 10 केजी की कॉस्ट, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम कांस्टेंट फॉर्मूला से भी सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, वाई इज इक्वल टू के एक्स। अब क्या है, हमारी जो पहली वेरिएबल है वो क्या होगी, जो हमें फाइंड है, जो हमें पता है, वो क्या है, x हमें पता है 3 का और y पता है हमें 8 का, और हमने अब कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये चूंकि कांस्टेंट पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y हमारा होगा यहाँ पे, आपका भला हो, ये होगा हमारा 18 और k होगा एज इट इज, और 3 आ गया हमारा यहाँ पे और k की वैल्यू हमारे पास आ गई, 3 इधर मल्टीपल कर रहा है दूसरी साइड पे, डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास आ गया 6, यानी k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये हमारी है इक्वेजन 1 और अब हम करते हैं इक्वेजन 2 को।
इक्वेशन टू भी सेम वही है, यही हमने लिखना है y इज इक्वल टू के एक्स। अब क्या करना है, हमें वो वैल्यूज रखनी है। ये हमारा था, यूं समझे कि जो ऊपर वाली लाइन है ये हमारी इक्वेशन वन है। अब हम इक्वेशन टू पे आते हैं। हमारा x हमारे पास पहले था 3 और अब हमारे पास x आ गया है 10। y हमने फाइंड करना है, तो y हमारा एज इट इज रहेगा। k हमने निकाला है 6 और मल्टीपल करना है 10 से। ये आ गया 60 और ये आ गई हमारी डॉलर में, सही। ये डॉलर में आ गई और हमारा यहाँ पे आ गया 10 जो केजी वेट है उसकी, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमारा $60 इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन को अब हम तीसरा मेथड है यूनिटरी मेथड के जरिए लेते हैं। अब यूनिटरी मेथड में कैसे लेंगे, यूनिटरी मेथड में सिर्फ एक ही चीज है जो चीज आपने पता करनी है। मान लें कि आपने केजी आपने पता करने हैं और आपको जो कॉस्ट है वो आपके सामने आई हुई है, तो अब आपने वैल्यू केजी की ही फाइंड करनी है कि उसकी कॉस्ट कितनी बनेगी। यानी आपको केजी का पता है और उसकी कॉस्ट का पता है, और अब आपके सामने केजी की वैल्यू आई हुई है, यानी दो वैल्यूज जिसकी आई हुई है आपने उसी वैल्यू के साथ उसे डिवाइड करना है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ये होगा 3 kg कॉस्ट, ये है $18। डॉलर आप यहां पे साइन आप लगा लीजिएगा। अब 3 kg जो आ रहा है वो $18 का आ रहा है। अब 1 kg हम यूनिटरी मेथड में कॉस्ट इसकी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस केजी को उठा के इसके नीचे मल्टीपल कर लेंगे, यानी ये 6, यानी 1 kg हमारे पास आ गया, 1 kg कॉस्ट हमारे पास आ गई $6 की। अब हमें 10 kg का फाइंड, जब हमें 1 kg का आ गया अब तो जो भी आप वैल्यू निकालेंगे, 10 kg क्या होगा, 10 kg कॉस्ट होगी 6 × 10, $60। अब ये तीनों मेथड स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए किए हैं, जो आपको इजी लगता है, जिसको आप प्रेफर करते हैं। मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है वो है कांस्टेंट प्रोपोर्शनल फार्मूला, क्योंकि ये ग्राफ पेपर में भी बहुत अच्छे से इजीली हैंडल हो जाता है। अब देखें, ये वाला जो यूनिटरी मेथड है ईजी है, लेकिन जब आप इसे ग्राफ पेपर में x की वैल्यू एक बार निकालेंगे, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो ये लेंथी होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे सामने है कि हमें 5x9 एक पीस ऑफ मेटल है जिसका वेट है 7 kg। अब हमें ये बताना है कि अगर ये मेटल 2x7 हो जाए तो इसका वेट कितना होगा। यानी अगर 5x9 है, पीस ज्यादा है, वेरिएबल बड़ी है, किससे, फ्रैक्शन बड़ी है 2x7 से, सही, तो क्या होगा, ये कम होगी। इसमें प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, यानी अगर एक वैल्यू ज्यादा है और उसका वेट ज्यादा है, अगर वैल्यू कम लेंगे तो उसका वेट भी कम आएगा, यानी ये तरतीब से कम हो रही है। वैल्यू अगर तरतीब से कम हो या तरतीब से ज्यादा हो तो उसे हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसे मैं करता हूं सबसे पहले यूनिटरी मेथड से, और एक मैं आपको दरमियान में छोड़ दूंगा एक मेथड। वो मेथड अगर कोई स्टूडेंट करता है, व्हाट्सएप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और साथ में आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ऑन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर करना है। अभी ये चेक करेंगे कि कौन से वाला मेथड है जो मैं छोड़ दूंगा। पहले मैं यूनिटरी मेथड करता हूं। अच्छा, 5x9 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, जिस वैल्यू का हमें पता था, हमें 5x9 की वैल्यू का पता है और 2x7 की वैल्यू, यानी दो डिजिट हमें पता है, तीसरा डिजिट तो दूसरी साइड पे 7 है, और उसके बाद हमने पता करना है 7 के साथ दूसरे वाली वैल्यू केजी का, तो हमने पता करना है। अब हमें पता है 5x9 जो पीस है उसका जो मैस होगा, पीस ऑफ मेटल है, इसका हो गया 7 kg। अगर हम इसे वन पीस कर देते हैं, वन पीस ये है 5x9 है, हम इसे कर लेते हैं वन पीस। यूनिटरी मेथड में हम वन के ही पता करते हैं ना, वन पीस अगर कर दें तो उस मेटल का उसका वेट क्या हो जाएगा, 7 /
फाइव बाय नाइन। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, यहां पे ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने क्या किया था कि 3 केजी जब मैं कर रहा था मेरी कॉस्ट आई थी 18, और जब मैंने 1 केजी किया तो इसे मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया था इसके साथ ना, 18 बाय डिवाइड। अब चूंकि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, अब इससे मैं इसके नीचे लेके जाऊं, यानी इसे मैं यूं लिखूं, आप इस तरह से कहें कि इससे अगर मैं 7 बाय 5 बाय 9 लिखूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या लिख दिया है। सो मैं इस तरह से इसे डिवाइड करता हूं, 7, अब इसे मल्टीपल कर लिया, 9 बाय 5 आ गया, यानी मैंने रेसिप्रोकल प्रोसीजर के जरिए डिवाइड को मल्टीपल में कर दिया कन्वर्ट, और मैंने आगे वाली जो फ्रैक्शन है उसे मैंने तब्दील कर दिया। अब मेरे पास आ गया वन पीस ऑफ मेटल का केजी वेट आ गया। अब मुझे 2/7 पीस ऑफ मेटल का पता करना है। सो 2/7 का, जब मुझे 1 पीस पता चल गया तो 2/7 का मैं इजीली निकाल लूंगा। वो कैसे? वो ऐसे स्टूडेंट्स के 7 मल्टीपल 9/5, ये 1 पीस का वेट है, और मैं इसे मल्टीपल करूंगा 2/7 से, इस 7 को 7 से कट कर दिया। अब ऊपर हमारे पास रह गया नॉमिनेटर में 9 मल्टीपल 8 18/5 केजी। अब चूंकि ये इसे मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है और नोमिनेटर बड़ा है, ये आ गया 3/5 केजी, ये हमारा आंसर है। एक मैं प्रोपोर्शन और करता हूं, वो क्या करता हूं, मैं यूं करता हूं कि मैं फॉर्मूला जो प्रोपोर्शन है उसे मैं निकाल लेता हूं, और जो कॉन्स्टेंट है जिसे हम करते हैं ना y=kx, ये वाला मैं छोड़ देता हूं। सही, मैं यहां पे देखता हूं कि मुझे वैल्यूज कौन कौन सी पता है। मुझे वैल्यूज पता है स्टूडेंट्स, मुझे पीस पता है और मैस पता है, सही है, और मुझे उसके बाद फिर पीस पता है और मैस मैंने फाइंड करना है। सो क्या होगा कि मैं इसको, पीस को मैं वेरिएबल एक्स दे देता हूं और मैस को मैं वेरिएबल वाई दे देता हूं, और ये है, आप इसे कहेंगे यहां पे स्टेटमेंट हमें लिखना होगी, पीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस, सो हम इसे लिखेंगे x1 इज इक्वल टू y1। अच्छा, अब x2 जो है वो हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है 2/7। अब मैं इनको ऊपर नीचे नहीं लिखूंगा, ऊपर नीचे क्यों नहीं लिखूंगा, उसकी रीजन ये है कि जब मैं इसे ऊपर नीचे लिखूंगा तो फ्रैक्शन ऊपर है फिर फ्रैक्शन नीचे है तो हमें ये प्रॉब्लम रहेगी। मैं सिंपल एक डिवाइड का सिंबल लगाता हूं और क्या कर देता हूं कि 2/7, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूं 5/9, और दूसरी साइड पे हमें कौन सी वैल्यू का पता है, हमें y2 का पता करना है, यानी ये हमारे पास y2 है, ये हमारे पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, सही। तो इस तरह से हम y2 को ऊपर ही रहने देते हैं और नीचे हमारे पास आ जाता है 7, सही, जो हमें ये पता है y वाली वैल्यू का, ये हमारे पास पता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसे रिसिप्रोकल कर देंगे 2/7 मल्टीपल 9/5, और यहां पे हमारे पास इसे अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक साइड का डिनोमिनेटर खत्म कर देते हैं, तो उसके लिए हमें y/2 मल्टीपल 7, और यहां पे भी हमें 2/7 मल्टीपल 9/5 मल्टीपल 7, ये कट हो गया 18/5, वही जो इसी तरह से था केजी में वेट है, और ये हमारे पास मैस आ गया है मैस, और इसे 3/5 केजी, ये हमारा मैस है। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन, ये जो पैटर्न है कांस्टेंट फॉर्मूला, ये आपने मुझे बड़ा नीट तरीके से करके, आप उसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मैं इंशाल्लाह उस पर आपको रिस्पॉन्स करूंगा। अल्लाह हाफिज़।